शादी करो तो हमारे मुल्क के लिए आगे अच्छे इंतजाम आ गए उसको वोट देना, लेकिन हमें वो बंदा जो मिले चुना मैं आज बहुत उनके फिक्र फैसला होगा। हाँ कल फैसला होगा और ना पूरी रात जो है रात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने आधा अंडा खाने अच्छा आलू भी है साथ और यार साथ में बिल्ली को लेके बैठा हुआ है। हैं बिल्ली को लेके बैठा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो जहाँ भी रहें खुश रहें और हक की राह में चलते रहें। तो आज खूबसूरत सी धूप भी निकली हुई है और मैंने सोचा आज सुबह ही सुबह ब्लॉग का आगाज़ किया जाए, क्योंकि आज इलेक्शन का दिन था और सब देर से उठे हैं, देर से ही सारे काम हो रहे हैं, नाश्ते भी सफाई भी सब कुछ। तो आज मेरे मियाँ जी बनाएंगे अच्छी सी रेसिपी, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि ये पहले से ही मेरी कुर्सी में जम के बैठ गए। क्यों बनाने में क्या हो गया, आज भी कौन सा रेस्ट दे दें? क्यों नहीं बनाने आता? बनाएंगे तो बनाने आ जाएगा हर काम करने से। आज यार वोट देने के लिए अभी बड़े जो ना परेशान बैठेगा, वोट किसको दे? वोट इसलिए परेशानी है वोट देने वाली कि भाई अभी तक समझ नहीं पा रहे कि वोट किसको दे। अब हमारे मुल्क के अंदर हालात में थे वोट देने वाले, अगर नून लीग को दे तो नून लीग के बारे में देखेगा तो वो भाग चले जाते हैं, उन्होंने प्रॉपर्टियाँ बाहर बना ली हैं, अब ये करें या वो करें, लेकिन क्योंकि काम तो उन्होंने काफ़ी कराया है हमारे मुल्क में, लेकिन अब क्या या फिर पीपल्स पार्टी को वोट दे, पीपल्स पार्टी को वोट दे तो पीपल्स पार्टी के अंदर जहाँ काम करा दी सिंह करवाती है, अब वो पंजाब का उनका पता नहीं है वो काम करवाए ना करवाए। बाकी ये सोच रहे जूते को वोट दे कितना हमारा निशान पीटीआई की तरफ से देखिए उसको कितनी देर ढड़ा हुआ है, उसको जूते का निशान मिल रहा है उसको वोट दे तो उसका भी समझ नहीं आ रहा। कोई भी ध्यान नहीं कर अभी सीधा का जो नहीं आ रहा कि वोट डालें तो किसको डालें। चलो भी ध्यान आप इस बारे में क्या कहते हैं? मैं तो ये करूंगा भाई मुझे बोलिए आप को हाँ ये बात हो गई अजान चाहिए कि हक को वोट देना चाहिए, हक वाली बात जो करे जो सच्ची बात करे उसको वोट देना चाहिए, यही बात तो अजान चाहिए। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा ना कि हक वाला बंदा कौन है, जो जो हमारा काम करेगा जो हमारे मुल्क के लिए हो जो हमारे मुल्क के लिए आगे अच्छे इकदाम करे उसको वोट देना, लेकिन हमें वो बंदा जो मुझे च्वाइस नहीं होती कि वो बंदा कौन है कौन है। वैसे मेरा भी पहले इरादा था कि मैं जो है ना चेंज हो गया मेरा भी इरादा, लेकिन ये एक समझ लिए थोड़ा सा डामाडोर नहीं है, बस मेरा एक इरादा है कि बस एक चीज़ हो गई, मैं इसको सस्पेंस थोड़ा सा रखना चाहती हूँ। अभी हम अजान से भी बात करते हैं कि अजान क्या अजान क्या है? अजान आओ अजान आप बताओ कि हमें आज जोर किसको देना है? जूते वाले आज जूते से चलते हैं, जूते से चलते हैं बाजू से सबके पाँव में जूते जूते हाँ तो जूते से चलते हैं, लेकिन मतलब जूते के अलावा भी जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें जरूरी हैं, कपड़े शर्ट। अब अगर किसी का नाम निशान छतरी है तो क्या हम छतरी को लड़ते देते हैं? साया करती है तू आगे गेमिंग की आ रही है ये मार दी सही है। अच्छा हमारा जो एक और एक और भी कैंडिडेट खड़ा है वो भी बड़ा अच्छा कैंडिडेट है, उसका निशान दे रहे हैं और हम ये चाहे तो उसको दे, लेकिन बात वही है हम तक हमारा बंदा की वजह से नहीं हो पा रहा कि हम एक कौन सा बंदा हमारे लिए जूते काम करेगा, इसको हम बोल रहे हैं जूते ठीक है जूते को दे। तो देखते हैं जी बहरहाल अभी तो हम नाश्ता पानी करते हैं, चाय पानी बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं किसको और सब्जी जो बटेर बटेर है वो करके बताती हूँ अपने व्यूअर्स को कि आज हम नाश्ते में क्या बना रहे हैं और आप कैसे मुझे आपको दिला के दे सकते हैं और खा भी सकते हैं।
ऐसे ये दोनों काम कर लीजिए, यही आसान है आपका। तो यहाँ पे जी हमारे घर में आज सुबह नाश्ते में बन रहे हैं आलू अंडे, क्योंकि कितने दिन हो गए थे सुबह नाश्ते में हम लोगों ने आलू अंडे नहीं बनाए। यहाँ पे मेरे प्याज टमाटर हरी मिर्चे काट के रखेंगे, यहाँ पे अंडे हैं, हरा धनिया है, और ये है जी हमारे आलू की कटिंग। आज बहुत उनके फिक्र फसला होगा, लेकिन मुकम्मल कम्प्लीट हो सकते है कल तक हो सकते है कल शाम तक हो सकते है सुबह तक हो, क्योंकि आखिर जो अब वोट कास्ट होंगे 5 बजे कास्टिंग बंद हो जाएगी, 5 बजे के बाद गिनती शुरू हो जाएगी, और 5 बजे के बाद जब गिनती शुरू होगी तो उस गिनती में टाइम भी रहता है ना, एक हल्के में एक एक हल्के के अंदर 200-300 पोलिंग स्टेशन है, और सब पोलिंग स्टेशन में जो वोट इकट्ठे करेंगे एक जगह पर, तो उनकी गिनती तो होती जाएगी, हर जगह पर गिनती हो जाएगी, जहाँ वोट डलेगा वहीं गिनती हो जाएगी, फिर वो इकट्ठे करेंगे ना, फिर किसको कितने कितने वोट डले, वो फिर इकट्ठे करने में उनकी गिनती का यानी कैलकुलेशन करने में जो है ना उनको टाइम लगता है, कल कम्प्लीट होगा ना। बिल्कुल इंशाल्लाह हमें अपना वोट जाया नहीं करना चाहिए, जो मैं नहीं डालने वाली थी इंशाल्लाह कोशिश करूं कि मैं भी जाके डाल के आऊं। वोट अमानत है कौम की, तो उस कौम की अमानत को जाया नहीं करना, वोट डालना जरूर है, चाहे जिसको भी डाले आप, हाँ। जिसको आप बेहतर लगता है, जिसको पहले वैसे मैं जाया कर देती थी, आप अपना फैसला कर लो घर के ऊपर जाके की किसको वोट डाले, लेकिन डालने जरूर जाओ, वोट जरूर आया ना। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये आपने आधा अंडा खाने, अच्छा आलू भी है साथ। इसके बाबर